स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवम मेहता ब्लॉग पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की बेहद स्पेशल पोशाक। तो देखिए, खासकर मैंने गर्मियों के लिए ये पोशाक बनाई है और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है और बेहद सुंदर पोशाक बन के रेडी हुई है। देखिए पूरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने अपने चैनल पर लड्डू गोपाल जी के बहुत सारे पोशाकों की वीडियो अपलोड की है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और अलग अलग पोशाक की वीडियो आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए आज फिर बना रहे हैं हम लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो ये लिया है मैंने कॉटन फैब्रिक और देखिए मैंने मेहरून कलर में लिया है, आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। और एक गोल्डन लेस ले रखी है और हम नाड़े के लिए इस काले धागे का यूज। तो सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये कपड़ा लिया है मैंने डबल में, देख सकते हैं। और जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है मैंने 3 इंच, देख सकते हैं आप। ठीक है, डबल में मैंने कपड़ा ले रखा है, डबल फैब्रिक ले रखा है, लेंथ 3 इंच रखी है। और इसकी जो इस तरीके से मैंने विड्थ चौड़ाई रखी है वो 70.5 यानी कि 17.5 रखी है और डबल में ये 35 इंच हो जाएगा। देखिए ये है फैब्रिक, इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके इसमें एक सिलाई रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डालनी है प्लेटें। तो प्लेट किस तरीके से डालनी है वो बताती हूँ आपको। देखिए हमने इसमें इस तरीके से हम एक प्लेट डालेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट डाल दी है। दूसरी प्लेट को हमने जहाँ पर हमारी फर्स्ट प्लेट ख़त्म हो रही वहाँ पर से स्टार्ट करना है। ये क्या प्लेट कैसे लगानी है वो देखिए। देखिए मैंने फर्स्ट प्लेट लगा, देखिए एक प्लेट मैंने लगा दी है। अब जहाँ पर हमारी देखिए जहाँ पर हमारी एक प्लेट ख़त्म हो रही है उसी के नीचे से हमने फिर दूसरी प्लेट स्टार्ट करनी है, देख सकते हैं आप वीडियो में। और इसी तरीके से हमने प्लेटें लगाते हुए जाना है और उसमें सिलाई रखते हुए पूरी प्लेटों को कंप्लीट करना है, देख सकते हैं आप वीडियो में। काफ़ी सुंदर प्लेट बन के रेडी हुए हैं। जब एक प्लेट हमारी ख़त्म हो जाती है तभी हमने नेक्स्ट प्लेट स्टार्ट करनी है। इस तरीके से मेरी ये पट्टी तैयार हो गई है, देख सकते हैं इसके चुन्नट भी काफ़ी अच्छे बने हैं और इक्वल बने हैं। अब हमने क्या, देख लीजिए ये पट्टी मेरी तैयार है और काफ़ी अच्छा लुक इसका लग रहा है। अब इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 इंच है, 14 इंच यहाँ पर तैयार लेंथ आई है इसकी। तो अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हल्का हल्का कट कर लीजिए आप। देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब देखिए ये मेरे पास गोल्डन लेस, देख सकते हैं। अब इसका यूज हम इसमें करेंगे। देखिए आप इसको एक प्रेस कर लीजिए जिससे कि ये बैठ जाए एकदम से। प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास गोल्डन लेस है। गोल्डन लेस को आप हल्का इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर लीजिए जिससे कि ये खुले ना। और इस तरीके से इसमें एक सिलाई रख दीजिए इसको लगाते हुए। तो इसको इस तरीके से लगा के सिलाई रखनी है, सिलाई रख के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये मेरा लड्डू गोपाल जी का पोशाक तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है वो देखिए। देखिए इसके सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगा लीजिए आप, इस तरीके से। इस तरीके से इसके सेंटर पॉइंट पर हमने एक निशान लगा लेना है, आप भी निशान लगा सकते हैं। और मिडिल में निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक साइड से आप नीचे कीजिए और फिर इसी तरीके से दूसरे साइड से आप इस तरीके से नीचे कीजिए। ये देखिए इस तरीके से, देखिए नीचे से हमने लगाना है 4 इंच पे निशान। ये देखिए नीचे से हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया है। और एक अब हम सिलाई बाद एक हम सिलाई रख देंगे इस तरीके से नीचे। तो नीचे को सिलाई रखती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इधर से हमारा ओपन है और नीचे को हमने सिलाई रख दी है, देख सकते हैं आप। ये ओपन साइड है, ये देखिए ये ओपन साइड है और नीचे हमने सिलाई रख दी है। अब क्या करना है, अब हमने ये नीचे से इसमें एक डोरी लगा देनी है जो कि कमर बांधने के लिए नाड़े के रूप में यूज होगी। देखिए ब्लैक डोरी ली है, देखिए जो कपड़े का नीचे वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से हम इसको नाड़े के लिए इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से एक सिलाई रख देंगे। देख सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी की बेहद सुंदर ड्रेस तैयार हो गई है। अब कैसे पहनाते हैं वो देखिए, और काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस बन के रेडी हुई है, बेहद जल्दी तैयार हो जाती है। बैक साइड से भी काफ़ी सुंदर लुक लग रहा है।
वीडियो देख के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल जी की नए नए ड्रेस की वीडियो शेयर करती रहूँगी।